सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बुरी खबर के बारे में। ये खबर डिज्नी और फॉक्स की डील की है, तो क्या है वो, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सो फ्रेंड, जब से ये खबर आई है तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। जी हाँ, ये खबर ही कुछ ऐसी है। वेल, तो आप सबको ये पता है कि डिज्नी फॉक्स को बाय करने वाला है। असल में वो कर चुका था, लेकिन इस बीच कॉमिक कास्ट ने आकर सब कुछ खराब कर दिया और एक बार फिर फॉक्स ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो अपनी कंपनी किसको बेचे, डिज्नी या फॉक्स को। लेकिन अब एक खतरनाक अपडेट आया है और ये अपडेट है रूपर्ट मर्डॉक की तरफ से। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बुड्ढा कौन है, तो मैं आपको याद दिला दूं, ये एक हिसाब से फॉक्स कंपनी के मालिक है जो इस उम्र में भी पैसे के बारे में सोचते हैं। वेल, तो उन्होंने ये साफ साफ अनाउंस कर दिया है कि फिलहाल तो वो इंटरेस्ट नहीं है अपनी कंपनी डिज्नी को बेचने में। जी हाँ, ये बात उन्होंने खुद कही है, जिसे सुनने के बाद शायद सारे मार्वल फैंस का दिल टूट गया होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अब इसका फैसला इसकी बिडिंग पर ही पता चलेगा कि कौन सी कंपनी हमारी कंपनी को बाय करने के मूड में है। वेल, जाहिर सी बात है, यहाँ पर डिज्नी के आगे कॉमिक कास्ट बैठा है जिसने 60 बिलियन का ऑफर पहले ही दे दिया है, वो भी कैश का। और वही बात करें डिज्नी की, तो डिज्नी ने 52.4 बिलियन का ऑफर दिया है, जो कॉमिक कास्ट के मुकाबले में काफी ज्यादा कम है। वेल, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है, कि डिज्नी फॉक्स को बाय करने में इंटरेस्ट है या नहीं। इसका फैसला हमें इसकी बिडिंग होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो इस बात को सुनने के बाद सभी का दिल टूट गया है, क्योंकि अगर ये डील कैंसिल हो गई तो एक्स मैन और फैंटास्टिक फोर अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।